नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN में। दोस्तों बात करने वाले एमपीएस इंफोटेक्निक या विशेष इंफोटेक्निक स्टॉक के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो शेयर में दोस्तों रिकवरी आज देखने को नहीं मिली दोस्तों, गिरावट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट की अगर बात की जाए दोस्तों, शेयर में आज 45 पैसे तक शेयर की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, पर तेज़ी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। पर मार्केट दोस्तों पिछले ट्रेड वाली पर ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। फिलहाल टाइम अगर यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट की वजह यहाँ पे क्या वो मानी जा सकती है, और फिलहाल टाइम दोस्तों क्वार्टर फोर को लेकर क्या बड़े अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है और चार्ट का क्या संकेत नजर आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे जानने वाले हैं। फिलहाल टाइम दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों आज की जो ओपनिंग थी वो अच्छी खासी देखने को मिली, 50 पैसे के साथ ओपनिंग नजर आई थी और 50 पैसे इस हाइस्ट में नजर आई। पर गिरावट की बात की जाए तो दोस्तों 45 पैसे तक शेयर में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, पर पिछले 5 ट्रेड की अगर बात की जाए तो उसमें 11.11% की रिटर्न में रिकवरी देखने को मिली और 5 पैसे का जंप यहाँ पे नजर आया। क्योंकि दोस्तों पिछले 5 ट्रेड के अंदर यह लग रहा था कि शेयर में बड़ी जंप यहाँ पे नजर आने वाली है, पर दोस्तों इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए लगभग दोस्तों जो टोटली शेयर है उसमें यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ गिने सुने जो शेयर हैं बड़े लेवल के जो शेयर हैं उसमें दोस्तों रिकवरी देखने को मिली है, बाकी जो भी शेयर है दोस्तों उसमें गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिली है। फंडामेंटल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, पर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो जो एमपीएस का जो सिलसिला है वो दोस्तों कुछ यूनिक देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछले 1 महीने में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली और फंडामेंटल में बड़ी तेजी के साथ सुधार यहाँ पे देखने को मिला था। आंतरिक फंडामेंटल में दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे सुधार देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से जो बाउंस बैक था वो काफी ज्यादा देखने को मिला। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो शेयर था क्वार्टर तरीके के पहले पहले यहाँ पे देखा जाए तो उसमें दोस्तों नेगेटिव जो चार्ट जो देखने को मिला था, पर यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम का जो डाटा था उसमें जो कोविड के टाइम की अगर बात की जाए तो उसमें शेयर दोस्तों इस लेवल की प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 10 पैसे का शेयर जो है वर्तमान टाइम में इस प्रकार से हाइएस्ट में देखा जाए तो इस लेवल की जो प्राइस थी वो आप लोग को 1.75 रुपये तक भी देखने को मिली थी उस टाइम पर। यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रॉफिट था उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना आप लोगों का, पर उससे पहले यहाँ पे देखा जाए तो हाइएस्ट प्राइस की बात की जाए तो उसमें जो शेयर की जो प्राइस रहने वाली है वो 21.26 रुपये से इसके जो स्टार्टिंग थी लिस्टेड थी कंपनी उस टाइम की वो देखने को मिली थी। पर यहाँ पे देखा जाए तो फिलहाल टाइम शेयर में अगर इस प्रकार के ग्राउंड देखने को मिल रहे हैं तो वो रिकवरी भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अगर उसमें टाइम अगर ज्यादा स्पेंड होता तो रिकवर होगा जरूर से होगा, पर फिलहाल टाइम उसमें इस टाइमिंग जो है वो ज्यादा स्पेंड आप लोग को करनी पड़ सकती है, तो उस चीज को आप लोग को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए ट्रेड आप लोग को करनी चाहिए। और फंडामेंटल में अगर सुधार यहाँ पर धीरे धीरे से देखने को मिल रहा है तो उस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। पर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ जो अपडेट्स हैं पिछले टाइम्स की वो यहाँ पे अपडेट यहाँ पे निकल के आई थी क्वार्टर थ्री के अंदर, तो इस प्रकार के जो क्वार्टर थ्री जो टाइम्स थी वो यहाँ पे देखने को मिली थी। पर वर्तमान टाइम में जो कंपनी ऑलरेडी दोस्तों डिबेट मुक्त यहाँ पे हो चुकी है और फंडामेंटल दोस्तों रिकवरी में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को तेजी के साथ रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक टाइम अगर बेसिक फंडामेंटल की और बेसिक जानकारी की अगर बात आती है तो वो आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले बता दूँ चैनल पर उस बार ये क्या है दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों आज की ओपनिंग की अगर बात करें तो उसमें तो तेजी देखने को नहीं मिली, पर यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्डर बुक जो रहने वाले उसमें 12,019 शेयरों की जो क्वांटिटी है वो 45 पैसे के तौर पर दोस्तों यहाँ पे बाइंग के तौर पर देखने को मिली। उसी बीच यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो शेयर की जो वॉल्यूम है वो भी अच्छी खासी 52,50,228 की क्वांटिटी यहाँ पे नजर आने वाली, ट्रेड की वैल्यू दोस्तों 24.68 लाख यहाँ पे नजर आई। उसी बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो इम्पैक्ट कोस्ट 4.38 यहाँ पे नजर आने वाले। पर मार्केट के में दोस्तों रिकवरी अच्छी खासी धीरे धीरे से देखने को मिल रही है दोस्तों, भले धीरे धीरे देखने को मिल रही है पर रिकवरी अच्छी से देखने को मिल जाने से चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आंतरिक फंडामेंटल की अगर बात आती है उसमें रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली दोस्तों। अगर उसमें सिक्योरिटी वीआर की बात की जाए तो 50% की जो सिक्योरिटी वीआर है वो यहाँ पे नजर आई। उसी भी सप्लाई केबल मार्जिन एट की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो भी 53.5% के आसपास की नजर आई थी। उसी भी अगर फंडामेंटल में बेसिक की अगर बात आती है तो उसमें देखा जाए तो आज की जो डिलीवरी जो रहने वाली है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है दोस्तों। लगभग देखा जाए तो 96% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे उठाई है और क्वांटिटी का जो ट्रेड यहाँ पे रहने वाला है वो 39,49,712 को शेयरों का पे नजर आया। तो उसमें फंडामेंटल में काफी ज्यादा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, पर फिलहाल टाइम कंपनी जो थोड़ी सी दोस्तों नेगेटिव की तरफ देखने को ज्यादा मिल रही थी, पर वापस से रिकवरी धीरे धीरे से देखने को मिल रही है। अगर कंपनी धीरे धीरे रिकवर होती है तो उसमें क्वार्टर फोर तक काफी ज्यादा प्राइस जो है एक्सपेंसिव बन जाएगी। फिलहाल टाइम दोस्तों बेसिक फंडामेंटल की ओर दोस्तों चार्ट का जो संकेत है वो थोड़ा सा दोस्तों दोनों साइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों साइड का जो डबल साइड का जो हैमर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से जो ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रही थी उसमें पॉजिटिविटी काफी ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही थी। फिलहाल टाइम दोस्तों जो गिरावट देखने को मिली है वो इस लेवल पर देखने को मिली है, थोड़ी सी यहाँ पे 45 पैसे तक की गिरावट यहाँ पे बनी है, पर जो हाइस्ट प्राइस रही है वो दोस्तों 50 पैसे तक यहाँ पे वापस देखने को मिली है। तो थोड़ा सा दोस्तों जो आंतरिक फंडामेंटल है उसमें थोड़ी सी जो गड़बड़ी है वो गिरावट जो है दोस्तों वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है। फिलहाल टाइम दोस्तों जब तक शेयर में लगातार जो गिरावट
गिरावट है वो अगर देखने को मिलती है तब उस चीज़ को गिरावट यहाँ पे मानी जा सकती है। पर फिलहाल पे हम दोस्तों आज गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली, पिछली वाली ट्रेड की जो प्राइस थी उसी पर क्लोजिंग यहाँ पे नजर आई है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। फिलहाल के टाइम दोस्तों आपका क्या नजरिया रह सकता है इस तरह के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आई है, पसंद आती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनिक स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।